हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम लोग कवि रघुवीर सहाय जी की कविता नतस्समा कार्य पर चर्चा करेंगे। ये जो कविता है बहुत ही सुंदर कविता है। और एक बात आप लोग जानते होंगे कि रघुवीर सहाय जो है एक इस प्रकार की एक कवि है जो कि किसी युग विशेष की जो परंपराएं हमारे साहित्य में चलते आए उससे थोड़ा बहुत हटकर ये लोगों की जो दशा है नईपन के साथ उसको अपने कविताओं के विषय वस्तु बनाया है। असल में रघुवीर सहाय जी की जो कविताएं हैं जो रचनाओं की विषय वस्तु है ये मानव के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो कविता है ये मानवतावादी कविता है दरअसल में, ठीक है। तो इस कविता में मानव की जो स्थिति है, मानव प्रेम की जो भावना है, देश प्रेम की जो प्रकृत उद्देश्य है, प्रकृत देश प्रेम किस प्रकार होना चाहिए वो बात इस कविता में दिखाई देंगे। और नेता लोग जो होते हैं, राजनीतिक लोग जो होते हैं, उनके भावना किस प्रकार रहता है, और जो सच्चे देश प्रेमिक लोग हैं, जो देश के लोगों को प्यार करने वाले लोग हैं, तो उनकी भावना किस प्रकार रहते हैं, तो इस कविता में हमें देखने को मिलेंगे। तो कविता शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का है, ये बंदा काम का वीडियो बनाता है, तो आप लोग भी मुझे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करें ताकि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। चलिए ठीक है, हम ये कविता शुरू करते हैं। नेता क्षमा करें, हमारे देश जिस प्रकार की राजनीतिक पद्धति से चलते हैं आप लोग जानते हैं, संसदीय गणतांत्रिक पद्धति, इसमें गणतंत्र की वजह से ये हो गया है कि सभी को राजनीति करने की सुविधाएं मिलते हैं। लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं है, सब लोग देश प्रेमिक भी नहीं है, सब लोग देश को प्रेम भी नहीं करते, देश के सभी लोगों के लिए उनके मन में प्रेम भी नहीं है। ये लोग बांटा हुआ है किसी भाग भाग में, देश के लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। जो भी हो, आइए चलते हैं। बस मैं पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, इस कवि की जो मनोदशा है, मैं बस कवि की मनोदशाओं को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और जो अभी अभी मैंने बताया ये इस कविता की पृष्ठभूमि है, कविता की मन की जो भावना है वो इसी प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए, लोगों, मेरे देश के लोगों और उनके नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। कवि ये बोल रहा है कि हे मेरे देश के लोगों और मेरे देश के लोगों के नेताओं, मतलब कवि का नेता नहीं है वो, कवि के जो देश है, हमारे जो देश है, हमारे देश के लोगों के जो नेता है, उन नेताओं को संबोधित करते कवि बोल रहा है, है? लोगों, मेरे देश के लोगों और उनके नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ, ठीक है। कवि ये बोल रहा है, हे मेरे देश के प्यारे लोगों और मेरे देश के लोगों के जो नेता लोग हैं वो नेता, ठीक है। कवि ये संबोधित करते हुए बोल रहा है, मतलब ये भाषण जैसा दे रहा है, कवि किसी को बोल रहा है, मान लो कवि सीधे सी बात किसी को बोल रहा है, ये बात इस प्रकार की भावना से कवि ये रचना किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोगों, मेरे देश के लोगों और उनके नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ, हे मेरे देश के लोगों और देश के लोगों के नेताओं, मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। मैं आप लोग जैसा क्या नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं आप लोग जैसे शक्तिशाली लोग नहीं हूँ, बलवान लोग नहीं हूँ, मैं आप लोग जैसे पावरफुल लोग नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक कवि हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, ये बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, ना उसके साथ खाने के लिए गम, ना मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारा सब भ्रम, लोगों में श्रेष्ठ लोगों मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। कवि क्या बोल रहा है कि है मेरे देश के लोग और देश के लोगों के नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, उसके साथ साथ क्या नहीं दे सकता, मैं खाने का जो चीज है, गम धान जो भी हो, जो जहाँ पे खाते हैं, हमारे बड़े देश है, इस देश के जो परिस्थितियां हैं इसके हिसाब से लोग खाते हैं, तो उस हिसाब से कोई बोल रहा है कि मैं
सिर्फ एक कवि हूँ और मैं आप लोग जैसे शक्तिशाली नेता जैसा नहीं हूँ, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक कवि हूँ, इसलिए मेरे सक्षम आप लोग जैसा नहीं है। मेरे सक्षमता में क्या क्या है, सीमितता है, वो किस प्रकार की, हाँ मैं रोटी नहीं दे सकता न उसके साथ खाने के लिए गम, मैं आप लोगों को गम दान रोटी जो भी हो ये आप लोगों को नहीं दे सकता, और मैं आप लोगों को जो खाने की जो चीज है उसका बंदोबस्त भी नहीं कर सकता, ना मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारा सद्रम। और हमारे जो देश है, इस देश में बहुत किस्म किस्म के धर्म हैं, धर्म का प्रचलित हुआ है, बहुत सारे धर्म हमारे इस देश से उदय होकर सारे विश्व में प्रचलित हो रहा है, ये कृत्रिम है धर्म जो भी हो, इसलिए को भी इसमें बोल रहा है कि जो कृत्रिम धर्म है, इस धर्म के प्रति आप लोगों की मन में जो भावना है, जो भ्रम है, सब भ्रम मतलब सभी के मन में, सभी लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं ना, इतनी लगभग 3000 से ज्यादा धर्म है, सभी धार्मिक लोग क्या मानते हैं कि भाई मेरे जो धर्म है ये धर्म ही सच्चा धर्म है और बाकी जितने भी धर्म है सबके सब सच्चा नहीं है, मतलब बस सभी लोग यही मानते हैं। अगर आप मुसलमान हो तो मुसलमान मानता है कि नहीं मेरे धर्म ही सच्चा है, बाकी सब तो ऐसे ही है। फिर अगर हिंदू हो आप, फिर भी आपका मन में यही भाव हा? कि मैं हिंदू हूँ, मेरे धर्म ही सबसे है और बाकी जो धर्म है ये नगण्य है, ये काम का नहीं है, ये सच्चा नहीं है। जो क्रिश्चियन है, बौद्ध है, मतलब जितने भी धर्म है सभी धार्मिक लोग क्या मानते हैं, अपने धर्म के ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, सत्य मानता है, और बाकी जो लोग हैं उन लोगों की जो धर्म है, बाकी जो धर्म है उनको वो नगण्य मानता है, नगण्य गण्य करता है। लेकिन सभी के मन में इस प्रकार के सब भ्रम फैले हुए है। कोई क्या बोल रहा है कि धर्म के क्षेत्र में हमारे देश के सभी ज्यादातर लोगों में जो लोग नास्तिक है, मानवतावादी है उनको छोड़िए, लेकिन क्या है जो धार्मिक लोग हैं उन धार्मिक लोग के मन में भावना किस प्रकार की है कि मैं इस धर्म का हूँ, मतलब मेरे धर्म ही सच्चा है और बाकी जो धर्म है वो बाकी धर्म क्या नहीं है, सच्चा नहीं है, वो तो ऐसे ही है। इस प्रकार की जो सब भ्रम है, मैं इस प्रकार की सब भ्रम आप लोगों को मान से मिटा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं जैसे साधारण कवि अगर आप लोगों को बोलने के लिए जाऊंगा कि ये धर्म इस प्रकार की है, वो इस प्रकार की है, लोगों में भेदभाव ना आनो, हम धर्म की चिन्ह है, इस प्रकार की अगर मैं बताने के लिए आप लोगों के सामने जाऊंगा तो आप लोग मुझे बुरा मानोगे, आप लोग मुझे मार दोगे या तो मुझे मिटा दोगे, इसलिए मैं ये आप लोग की मांग से मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ अकेले हूँ, मेरे पास इतना शक्ति नहीं है, मेरे पास इतना बल नहीं है, धन नहीं है कि आप लोगों को क्या दूं, मैं रोटी कपड़ा दूं, खाने के रहने के सब भी किस्म के बंदोबस्त कर दूं ताकि आप लोग मुझे मानो, मैं ये सब नहीं कर सकता, यानी कि आप लोग मुझे नहीं मानोगे इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता, आप लोग के मन में धर्म के प्रति जो सब भ्रम है ये मैं मिटा नहीं सकता। लोगों में श्रेष्ठ लोग मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, हे मेरे देश के श्रेष्ठ लोग, ये व्यंगात्मक रूप से को भी बोल रहा है, श्रेष्ठ कौन होता है जो सभी को समझता है, लेकिन हमारे देश में जो भी ज्यादातर धार्मिक लोग आजकल तो आप लोग जानते हैं मीडिया के जमाने है, आप लोग सभी जानते हैं किस प्रकार की स्थिति हमारे देश में आ रहे हैं, इस प्रकार के आपको व्यंग करते हुए बोल रहा है कि है लोगों में श्रेष्ठ लोग, ये व्यंग श्रेष्ठ लोग मतलब व्यंग श्रेष्ठ किसको कहा जाता है, जो सभी दिशा से श्रेष्ठ में है, लेकिन कभी इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ी देर पहले बताया है कि तुम्हारा जो सब भ्रम है ये मैं नहीं मिटा सकता, मतलब हम सच में श्रेष्ठ नहीं है लोग, हम सच में श्रेष्ठ लोग नहीं है हमारे देश के लोग, क्योंकि हम सब भ्रम में जीते, हम भ्रम में जी रहा है धर्म को लेकर, एक दूसरे में एक दूसरे से बांटे हुए हैं, लेकिन हमारे देश पूर्व से ऐसा नहीं था, हम बहुत सारे लोग रह रहे हैं इसमें, तो इसलिए क्या करना है, मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन हम लोग तो ज्यादातर लोग जो नेता लोग हैं उनकी जो उचित शक्तिपूर्ण विवेकपूर्ण जो भावना है उन भावनाओं के चक्कर में आते हम जो साधारण भूतार्थ है, जो नागरिक है, इन नागरिकों के बीच धर्म भाषा संस्कृति को लेकर बांटे हुए हैं, ये जो हमारा भ्रम है इस भ्रम के वजह से ही हम एक दूसरे से क्या है बचे हुए हैं।
जो बांटे हुए हैं, मतलब हमारे मन में क्या है, भ्रम है। कभी ये भ्रम नहीं मिटा सकता हमारे मन से, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं। कभी क्या आवाज किस किस तक पहुंचाएगा, कभी किस किस को समझाएगा, इसलिए कभी बोल रहे कि मुझे माफ करो, मैं ये सब कुछ आप लोग की जो भ्रम है मन में, इस भ्रम को मैं मिटा नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ठीक है, कि तुम तो भ्रम में जी रहे हो, एक दूसरे से बांटे हुए हो, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जात पात के नाम पर, उच्च नीच के नाम पर आप लोग बांटे हुए हो, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, इसलिए कि मेरे नजर में सब समान है, कोई ये कहना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग जिस प्रकार से बांटे हुए हो, हाँ आप लोग जिस प्रकार से बांटे हुए हो, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे नजर में सब समान है, मेरे नजर में कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। इसलिए आप लोग जिस भावना उसके साथ, जिस स्वभ्रम के साथ जी रहे हो, मैं उस प्रकार के स्वभ्रम में नहीं जी सकता, क्योंकि मैं मुक्त हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर के साथ नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं आ सकता, मैं सबके साथ हूँ। मतलब ठीक है, जो लोग स्वभ्रम में जी रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं आ सकता, मैं उनका भ्रम भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि मैं सामान्य कवि हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, तो मेरे बात लोग क्यों सुनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार की बात को भी इसमें रखे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यानी कि आप भी सोचो कि जो कवि नहीं है, कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ। हाँ, कवि इसमें यह बोल रहा है कि यानी कि आप भी सोचो कि जो कवि नहीं है, कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ, और मैं कहो कि तुम सब मेरे हो, पूछे कौन हूं मैं। कवि इसमें ये बात कहते हैं कि यानी कि आप ही सोचो कि जो कोई नहीं है, कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ। हाँ, जो लोग मतलब कोई नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग तो लिखते नहीं है, और साहित्यकार की जो लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक निबंध है, उस निबंध भी बहुत अच्छा है। साहित्यकार किस प्रकार की रचनाओं को पाठक तक पहुंचाना चाहिए, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। आप लोगों को अगर अवसर मिले तो साहित्यकार की जो कर्तव्य है, वो साहित्यकार की कर्तव्य नाम की जो निबंध है, उसको पढ़िएगा एक बार, बहुत अच्छा है। तो इसमें कवि ये बोल रहा है, यानी कि आप ही सोचो कि जो कवि नहीं है, कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ। हाँ, जो लोग कवि नहीं है, या तो कवि या राइटर है, लेकिन सच में देश के लोगों तक किस प्रकार की जो रचना है, वो रचना पहुंचाना चाहिए, वो लोग नहीं पहुंचाता, या तो हमारे देश के जो लोग हैं वो लोग इतना सोचते नहीं है क्या सही है क्या सही नहीं है, इस प्रकार की सोचते नहीं है लोग, बस ऊपर की तरफ से नेता लोग जो बोलते हैं उसी को अनुसरण करके ये लोग चलते हैं, और अपने अपने बंटवारा लाते हैं, मिलजुल कर नहीं रहता एक दूसरे से, जात पात के नाम पे, भाषा धर्म के नाम पे झगड़ते रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ही सोचो कि जो कोई नहीं है, कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ, कि जो लोग कभी नहीं, मतलब जो लोग मेरे जैसे नहीं सोचते, वो सभी लोग एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। ठीक है, हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, सब लोग कभी जैसे नहीं सोचते, अगर कभी जैसे सोचते तो हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति आज नहीं होता, हमारे देश के, हमारे देश को आईना बनाकर सारे विश्व हमारे देश की वो आईना में दर्पण में अपने मुख देख सकते, क्योंकि सारे विश्व में जिस प्रकार जितने भाषा भाषी लोग हैं, जितने धर्म हैं, जितने संस्कृति हैं, हमारे देश में एक देश में ही उसका बहुत स्वतंत्रता हमारे एक ही देश में है। ठीक है, तो अगर हम मिलजुल कर रहते तो हमारे देश बहुत ही अच्छा होते, और विश्व ताकते हुए विश्व के लिए हमारे देश एक आईना हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यानी कि आप ही सोचो कि जो कवि नहीं है, कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ। हाँ, जो लोग मेरे जैसे नहीं सोचते, हाँ लोग सभी लोग, सभी जात पात, सभी धर्म के लोग, बस एक ही लोग हैं, एक लोग है सब। हाँ, भारतीय है, इस प्रकार की भावना जिनके मन में नहीं है, वो सभी लोग एक तरफ और मेरे लिए सभी लोग एक है, सभी लोग समान है, मेरे नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है, इस प्रकार की भावना रखने वाला मैं अकेला एक तरफ हूँ, और मैं कहूँ कि तुम सब मेरे हो, और मैं क्या कहता हूँ, हाँ चाहे किसी को वो अपना माने ना माने, चाहे वो किसी को बड़ा छोटा माने, कुछ भी करो, लेकिन वो भी मेरे लोग हैं, क्योंकि मैं सबसे प्यार करता हूँ, मेरे नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई गिरा हुआ नहीं है। कोई ये बोल रहा है कि आप लोग सबके लिए नहीं हो, कोई ये बोल रहा है कि आप लोग तो सबके लिए नहीं हो, लेकिन आप मेरे लिए आप सब समान हो। हाँ, आप लोग
सभी के लिए नहीं हो, किसी किसी के लिए हो, पार्टिकुलर किसी जात पात धर्म के लिए हो, लेकिन आप सभी मेरे लिए हो। मतलब जात पात जो भाषा संस्कृति धर्म ये मेरे लिए क्या नहीं रखते, कोई मायना नहीं रखते। इन जात पात धर्म तो भाषा इस प्रकार की जितने भी संकीर्णताएं हैं, सीमितता है, मैं उस सीमितता को तोड़ चुका हूँ। इसलिए मेरे जो भावनाओं की जो परिधि है ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और मेरे इस अपनेपन की जो भावनाओं की जो परिधि है, आप देश के सभी लोग उस परिधि में आते हो, इसलिए सब आप लोग मेरे अपने हो, आप सब लोग मेरे हो, ठीक है। और मैं कहूँ कि तुम सब मेरे हो, पूछिए कौन हूँ मैं। हाँ, कोई बोल रहा है कि आप सभी मेरे लिए हो, मेरे नजर में सब समान हो, मेरे नजर में कोई जात पात, कोई भाषा, कोई धर्म, कोई संस्कृति कोई मायने नहीं रखता। हमारे देश की जो भौगोलिक भूखंडता है, इसकी जो दूरीपन है, जो विभिन्नताएं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे देश की भौगोलिक खंडता में जो रहता है वो हमारे देशवासी है, और मेरे देश में सब मेरे लिए समान है। कोई जात पात धर्म के नाम पर कोई मुझसे क्या नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, कोई मुझसे कम महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सब मेरे लिए समान महत्वपूर्ण है। तो मैं कौन हूँ, कोई ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई एक सच्चे देश प्रेमी है, क्योंकि सच्चे देश प्रेमी कोई होता है जो देश के सभी लोगों को प्यार करता है, सभी लोगों के लिए अपने मन में प्रेम भावना है, जहाँ पे कोई कृतमता की बिंदु मात्र, लेश मात्र भी भावना नहीं रहता। ये आंतरिक रूप से, अकृत्रिम रूप से कवि के मन में देश के सभी लोगों के लिए प्रेम भाव है। इसलिए कवि इसमें पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, आप लोग देखो। हाँ, आप लोग जो कि देश के दूसरे लोगों के लिए अपने मन में भेदभाव रखते हो जात पात धर्म भाषा को लेकर, लेकिन मैं ये सब नहीं रखता। आप जितने भी दूसरे को अलग मानो, मुझे अलग मानो, लेकिन मैं किसी को अलग नहीं मानता, मेरे लिए सब तो समान है। तो मैं कौन हूँ, कवि पूछ रहा है। सच में क्या है, कवि जब की सभी को देश के सभी लोगों के लिए प्रेम भाव की बात आ रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कवि इसमें सच्चे देश प्रेमी है। इसलिए वो देश को प्रेम करता है, मतलब देश को प्रेम करने का मतलब देश के सभी लोगों को प्रेम करना चाहिए। जो देश के सभी लोगों के लिए अपने मन में प्रेम भाव नहीं रख सकता, वो देश प्रेमी हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कोशिश की थी कि कुछ कहूँ उनसे, लेकिन जब कहा तुमको प्यार करता हो, मेरे सब एक लहरियाता दुगना बन उक्र बैठे लोगों पर भीन भिनाने लगे। हाँ, क्या कहा कि मैंने कोशिश की थी कि कुछ कहूँ उनसे, लेकिन जब कहा तुमको प्यार करता हो, मेरे सब का लहरियाता दुगना बन उक्र बैठे लोगों पर भीन बनाने लगे। हाँ, कोवि की कोवि तो जानता है कि ये बहुत सारे लोग हैं जो देश के लोगों को बांटने में लगे हुए हैं, अपने खुद के फायदे के लिए, नेताओं के फायदे के लिए हो, या जो किसी भी प्रकार के जो नेता हैं, वो अपने जो लोग होता है उन लोगों को अपने हिसाब से प्रचलित करना चाहता है, और दूसरे के लिए उनके मन में कुछ भेदभाव पैदा करके अपने हिसाब से वो लोग चलाना चाहता है। तो उस प्रकार के लोगों का मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसको कुछ कहना चाहिए, लेकिन क्या कहा, लेकिन जब कहा तुमको प्यार करता हो, तो मेरे साथ एक लग रहता दुगना बन उकड़े बैठे लोगों पर भीन बनाने लगे। तो जबकि मैं चाहते हुए भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे नजर में सब लोग समान है, बल्कि जो लोग बौद्धिक स्तर पे अच्छे समझदार नहीं है, उन पर मुझे दया आने लगता है। कोई क्या कहना चाहता है कि जो समझदार लोग हैं, सच में जो लोग समझदार हैं, वो इस प्रकार की भेदभाव की भावना में कभी ग्रस्त नहीं रहेंगे, वो लोग सभी को समान रूप में देखेंगे। हाँ, जो लोग मतलब सभी को समान रूप में नहीं देख सकता, वो लोग बौद्धिक तौर पे शक्तिशाली नहीं है, विवेचना से वो लोग शक्तिशाली नहीं है, बलवान नहीं है। इसलिए मैं उनको उसके लिए मेरे मन में क्या है, दया है। किस प्रकार की दया है, जिस प्रकार से निर्भूत लोग, गरीब लोग, ठीक है, जिस प्रकार से गरीब लोग उकड़े बैठते हैं, मतलब अपने जो गठन को पार कर जिस प्रकार से बैठते हैं, ना जिंदगी में कोई ऊर्जा है, ना जिंदगी में कुछ आशाएं है, बस निराशाग्रस्त होकर जिस प्रकार से बैठ रहते हैं, उनकी कोई मतलब अपनी स्वतंत्रता बोलते हुए उनके पास कुछ नहीं है, बस दूसरे जो नेता लोग हैं
वो नेता लोग जिस प्रकार से बोलते हैं उसी प्रकार से वो रहता है। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको देखते हुए कवि को क्या लगता है, दया न लगते हैं। उनके जो स्थिति है उस स्थिति में उनके जो भावना है वो भावना भिन्न भिन्न लगता है। मतलब जो निचले किस्म के लोग हैं जो नेता लोगों से शोषित होकर नेता लोगों जिस प्रकार से चाहते वो इस प्रकार से रहने लगते हैं, उन उस लोगों पर उसका जो नजर है वो नजर हमसे उनके उस उन छोटे लोगों के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। मैंने कोशिश की थी कि कुछ कहूँ उनसे, लेकिन जब कहा तुमको प्यार करता हूँ मेरे साथ एक लहरे का दुगना बन उकरे बैठे लोगों पर भिन्न भिन्न लगे, कि मैं चाहता था कि उन भेदभाव रखने वाले लोगों को मैं कुछ कहूँ, किसी भी दिशा में हो जो भी लोग एक दूसरे से भेदभाव पैदा करते हैं, दूसरे के मन में भेदभाव पैदा करते हैं, मैं उनको कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो कवि की जो भेद मन में जो भावना है वो भावना किस प्रकार के स्थिति में आ जाता है, जिस प्रकार से निर्बोध गरीब दीन दुर्बल लोग जिस प्रकार से अपने घुटने पर बैठे रहते हैं, बैठने के लिए नीचे कुछ नहीं होता, बस दो पैरों पर बैठ रहता है, जो घुटन है वो बुक सीने के साथ आ जाता है, इस प्रकार की स्थिति में उसका जो भावना है वो दयनीय हो जाता है, निर्बुद्ध हो जाता है। कवि ये कहना चाहता है इसमें, इसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता मैं किसी को समानता से दूर भागाऊ, मतलब मेरे लिए सब समान है। मतलब जो दूसरे के लिए भेदभाव पैदा करता है वो खुद ना समझ है, लेकिन मैं तो समझदार हूँ। कभी ये बोल रहा है कि जब वो ना समझ लोगों को मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे ये याद आ जाता है कि ये तो है ना समझ, बल्कि उनकी जो बौद्धिक दृष्टि है वो ना समझपन है, उसके लिए कवि का क्या आ जाता है, दया आ जाता है मन में। उसका दया भाव किस प्रकार से इसमें व्यक्त हुआ है कि उखड़े बैठे लोगों पर भिन्न भिनाने लगे, मेरे साथ एक लहरिया था दुगना बन उकरे बैठे लोगों पर भिन्न भिनने लगे, मतलब वो इस प्रकार की जो भेदभाव रखने वाला जो लोग है उनकी मन की जो भावना है, उनकी जो सोच है वो बहुत ही निम्न किस्म के सोच है, और उसके निम्न किस्म के सोच की वजह से उनको दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है, और उसके वजह से दूसरे को भी उस प्रकार की दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है, एक दूसरे से झगड़ते हैं जात पात धर्म के नाम पर, राजनीतिक दल के नाम पर, कि सभी लोग अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं ना, लोगों की जो अलग अलग राजनीतिक दल होता है, किसी एक दल को सपोर्ट करता है तो दूसरे लोग किसी और दल को सपोर्ट करता है, इस प्रकार से वो राजनीतिक दल के लिए वो लोग क्या करते हैं अपने आप में झगड़ने लगते हैं। इस प्रकार की जो नासमझ लोग हैं उनकी नासमझ कर देख कर अपने परिवार अपना अपने लोग जो होते हैं वो भी दयनीय स्थिति में कभी कभी पड़ जाते हैं, तो उसकी जो नासमझपन है उस पर मुझे दया आने लगता है। कभी दयाने का जो भाव है, जो निर्बुद्ध लोग है, जो दो पैरों पर बैठे हुए सीना अपने साथी के साथ आते हुए घुटन में जिस प्रकार से लगते हुए जिस प्रकार से बैठ रहते हैं, मतलब निर्बुद्ध ना समझदार दुर्बल अपने स्वतंत्रता के नाम पे कुछ चीज उसमें है ही नहीं, कोई क्रिएटिविटी उसमें नहीं है, इस प्रकार की भाव में उस कवि की जो भावना है वो बैठ जाता है। मतलब उस प्रकार की जो अपने आप दूसरे के मन में भेदभाव पैदा करने लगता है, देश के लोगों में जो लोग धगवर बना चाहते हैं उस प्रकार के लोगों पर कवि का क्या आता है, दया आता है, क्योंकि वो लोग ना समझ है और उन ना समझने की वजह से दूसरे उसकी स्थिति में आकर उसकी उस प्रभाव में आकर खुद का नुकसान करने लगते हैं, तो इस प्रकार की भावना है इसमें। फिर कुछ लोग बैठे बोले कि आइए तोरे पुराने, और किस प्रभावशाली लोग हैं वो लोग दूसरे को सुनता नहीं है, दूसरे को समझते नहीं है, बस क्या बोलने लगता है कि बस नेता होने के नाते अपने दूसरे लोगों को क्या करते हैं, बस आदेश देते हैं, वो भड़काऊ में लाते हैं। कि फिर कुछ लोग उठे बोले कि आइए तोरे पुराने, कि जो पुरानी भेदभाव है, समझ लीजिए कि जो राजनीतिक सत्ता है उसके बस जो विरोधी पार्टी होता है ना, जो सरकार चलाता है वो किस विरोधियों के विपक्ष में बात करते हैं, और जो विरोधी दल होता है जो सरकार नहीं कर सकते वो सरकार के खिलाफ इस प्रकार से एक दूसरे की जो राजनीतिक दल होता है, धर्म भाषा, क्योंकि हमारे जो देश है इसमें बहुत दल है, आंचलिक दल भी है, ठीक है ना, इस प्रकार के बस अपने अपने लोगों को किसी भी क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र में अपने जो लोग होता है खुद का समर्थन करने वाला जो लोग होता है उनको वो भड़काते हुए अपने साथ रखते हैं, और दूसरे के खिलाफ वो
उनके मन में दूसरे के खिलाफ कुछ भावनाओं का पैदा करते हैं और इस प्रकार से बाधक। फिर कुछ लोग उठे और बोले कि आइए तुरे पुराने फिलहाल मूर्तियां। हाँ, ये मूर्तियां कोई इस प्रकार की मूर्तियां नहीं, ये भावनात्मक मूर्तियां है, समझ लीजिएगा, ये भावनात्मक मूर्तियां है। हाँ, झोले में बांधकर एक नई मूर्ति मुझे दे गए। हाँ, कि कोई कहता है कि मैं उनको कैसे समझाऊं कि वो लोग ज्यादा पावरफुल है, उसके वो लीडर है और उसके बहुत फ्लॉर्स है, मेरे बात तो उनके लिए लचर है, मेरे बात वो लोग सुनेगा नहीं, वो लोग अच्छे से दूर भागते रहता है, मैं तो अच्छा बोलता हूँ लेकिन जो अच्छा है वो तो उस प्रकार की बात कुछ करेगा नहीं, एक दूसरे से कुछ भड़का वाला बात करेगा नहीं, दूसरे के मन में भेदभाव पैदा करेगा नहीं, लेकिन ये करता है मतलब ये लोग अच्छा नहीं है, इसलिए क्या है वो लोग अपने बाल को ही अपने आदेशात्मक बात को ही दूसरे तक पहुंचाता रहता है। झूले में बांधकर एक नई मूर्ति मुझे दे गई। यानी कि आप ही देखे कि जो कोई नहीं है अपनी एक मूर्तियां बनाता हो और ढाता हो। कोई क्या बोल रहा है कि यानी कि आप ही देखे कि जो कोई नहीं है अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहता हूँ। कोई ये बोल रहे कि आप लोग देखो। हाँ, आप लोग कौन के जो को भी नहीं है, मतलब जिस जिनके भावना को भी जैसा नहीं है, जो राजनीतिक दल हो या धर्म जात पात की जो संप्रदाय हो, उनके जो नेता है, हाँ, उनको बोल रहा है कि यानी कि आप ही देखो कि जो को भी नहीं है। मतलब जो को भी नहीं हो आप लोग में से, आप किसी संप्रदाय हो, कोई राजनीतिक दल हो, किसी भी प्रकार के नेता हो, आप लोग देखो वो लोग जो कोई नहीं है, मतलब जो कोई जैसा भावना वाले लोग नहीं है, मतलब कोई इसमें खुद के बारे में बोल रहा है कि जो जिनके भावना मेरे जैसा नहीं है, आप लोग देखो, क्या देखो, अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और दहाता हूँ, और आप कहते हो कि कविता की है, क्या मुझे दूसरे को तोड़ने की फुर्सत है। हा? बात इसमें यह है, कोई बोल रहा है कि आप लोग जो कोई नहीं हो, मतलब मेरे जैसे भावना वाले जो लोग नहीं हो, वो लोग देखो, क्या देखो कि अपनी एक मूर्ति मैं, मतलब कोई अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और चाहता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए, इस प्रकार से लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की जो भावनाएं है, अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोई कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं खुद दूसरे की नहीं है, मैं दूसरे को बांटने के लिए नहीं लेकिन बल्कि दूसरे को जोड़ने के लिए, दूसरे के हित के लिए कुछ बनाता हूँ, और जो थोड़ा बहुत कम ही रह जाता है उसको फिर भी क्या मैं क्या कर देता हूँ, धारता हूँ, मतलब फेंकता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ उसको, तोड़ देता हूँ उसको। और आप कहते हो कि कविता की है, और आप कहते हो कि कविता की है कि मैं लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए जो करता हूँ। पहले ही कहा कि रघुवीर साहब जो है, जो हमारे जो साहित्य की जो युग रहे हैं, काल रहे हैं, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता, इस प्रकार की जो बात है, इसके जो विशेषताएं रहे हैं कविता करने की, रघुवीर साहब की कविता में थोड़ा बहुत अलगपन दिखाई देता है, इनकी जो कविता की विषय वस्तु है ये लोगों को लेकर है, ये मानवतावादी कवि है इस कविता में, तो ये जो कार्य है देश के लोगों के हित के लिए, जो देश के लोगों के लिए हित होता है, अच्छा होता है तो ठीक है, कर लेता है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देता है, मतलब अपने जो विषय वस्तु है उसको देश के लोगों के हित के लिए बनाता है। को भी क्या बोल रहे हैं, आप लोग देखो, मैं जो कर रहा हूँ आप लोग देखो, मैं खुद ही जो देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता वो फिर से मैं तोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और जो मैं देश के लोगों के लिए हित के लिए अपने कलम के माध्यम से, अपने मन की भावनाओं के माध्यम से वही व्यक्त करता हूँ, और आप लोग इसे ही क्या कहते हो, कविता कहते हो। हाँ, क्या मुझे दूसरे को तोड़ने की फुर्सत है कि मैं इतना बेहतर हूँ देश के लोगों के लिए, देश के हित के लिए, देश के लोगों के साथ मिल अपनेपन की, भाईचारे की जो भावना है, इन भावनाओं को पैदा करने के लिए, आप लोग जो एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हो, इसको मैं जोड़ने के लिए जो काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे सारे समय निकाल जाता है, मैं कभी एक दूसरे को बांटने के लिए सोचा तक नहीं, मुझे भावना भावने की सोचने की फुर्सत भी नहीं है। कभी ये बोलता है कि मेरे जो विवेक है, मेरे विवेचना में हमेशा यही आता रहता है कि मैं दूसरे के लिए कुछ अच्छा करूं और दूसरा
बाकी जो नेता लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं जो देश के लोगों को अपने फायदे के लिए अपने सत्ता के लिए अपने जो भावना है उस भावनाओं को बदलकर कृत्रिमता में बदलकर लोगों को जिस प्रकार से एक दूसरे से जात पात धर्म राजनीतिक तौर पे जो बांटते हैं मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। मैं सारे लोगों को मिलजुल कर रहे इसकी जो भावना है इस भावना उनके मन में पैदा करना चाहता हूँ, तो मुझे दूसरे को बांटने के लिए फुर्सत कहा है। कभी ये बोल रहा है मतलब कभी क्या है, देश प्रेमी लोग हैं हमेशा सभी लोगों की अच्छा चाहता है, और जो देश प्रेमी लोग हैं वो देश से प्रेम करने का मतलब यह है कि देश के हर लोगों को वो प्रेम करता है और कोई नहीं चाहता कभी कि कोई किसी से भेदभाव रखे। ठीक है, इस प्रकार की बात है। इसलिए कभी क्या कहता है, हे नेता आप मुझे माफ करो क्योंकि मैं आप लोग के साथ नहीं हूँ, मैं आप लोग के साथ आज ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग एक दूसरे से झगड़वाते हो, आप लोग एक दूसरे की मन में देर भाव की जो पैदा करते हो, मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि मैं आपका उल्टा हूँ। मैं ये करता हूँ कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहे भाईचारा के साथ ये सब लोग रहे ताकि हमारे देश आगे जाए। नेता लोग क्या करते हैं, अपने देश की स्वार्थ को प्रधानता देते हुए वो अपने सत्ता को मजबूत बनाने के लिए अपने जो अनुगामी है अपने जो लोग हैं उनको वो भड़काव में लाकर एक दूसरे के साथ वो भेदभाव पैदा करता है। लेकिन कभी क्या है, व्यक्ति सार को वो न देखकर सामग्रिक सार्वजनिक रूप में ये क्या करता है कि देश के हित हो इसलिए देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए यात्रा सोचते हैं, और इसलिए क्या करता है एक दूसरे के खिलाफ जो भेदभाव पैदा करता है नेता लोग उसको मिटाने के लिए वो कोशिश करता है। इसलिए नेता लोगों से वो क्षमा मांग रहा है। मतलब ये व्यंग्यपूर्ण भाव है कि आप लोग जो कर रहे हो मैं ये नहीं कर सकता, आप लोग अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं क्या किसके लिए काम करता हूँ, मैं देश के सारे लोगों के लिए काम करता हूँ ताकि इस देश के सारे लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव रहे, प्रेम भाव से ये लोग जीते रहे और हमारे देश आगे बढ़े। जबकि ये लोग अपने आप में झगड़ते रहेंगे तो ये लोग अच्छा काम करने के लिए उसके मन में फुर्सत ही कहाँ रहेगा। जब ये लोग अपने आप में झगड़ते रहेंगे अच्छा काम ये लोग करने से ये लोग दूर हट रहेगा। तो अगर इनके मन से वो बुरे काम भेदभाव वो हिंसापूर्ण जो भाव है वो भाव अगर मिट जाएगा तो इसके सामने बस अच्छा कुछ करने के लिए ही समय रहेगा। ये बस कुछ करेगा तो सब कुछ अच्छा होगा और इस प्रकार से हमारे देश के लोग शांति से रह पाएगा और हमारे देश आगे जाएगा। कोई का भावना यही है। ठीक है, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।